नमस्ते दोस्तों, इंस्ट्रक्शनल टेक एजुकेशन चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग चैट जीपीटी के थ्रू किस तरह से पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन को हैंडराइटिंग पावर पॉइंट एनिमेटेड वीडियोस में कन्वर्ट करना है, इसके बारे में जानकारी लेंगे। तो सबसे पहले हम लोग गूगल पे जाते हैं। गूगल पे जाने के बाद हम लोग जो हमारा चैट जीपीटी है उस चैट जीपीटी में जाते हैं और सर्च करते हैं कि टाइप्स ऑफ गुड प्लान। इसमें हम लोग कमांड देते हैं कि प्रिपेयर पावर पॉइंट स्लाइड्स विद इन 150 वर्ड्स। ये 150 वर्ड्स इसलिए बोलना है कि जिसको लेकर हमें कम से कम शब्दों में पीपीटी बनानी होती है। और हम लोग तो हमारे सामने, चलिए दोस्तों, ये हमारे सामने एक टॉपिक आया कि जिसको इफेक्टिव प्लानिंग। अगर आपको लगता है कि और ज्यादा प्रिसाइजली करना है तो आप लोग यहाँ जाके विद इन जो वर्ड लिमिट है उसको भी बदल सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, इस जगह पे हमें मिला है कि इफेक्टिव प्लानिंग क्या है या टाइप्स ऑफ गुड प्लानिंग में स्ट्रेटेजिक प्लानिंग, ऑपरेशनल प्लानिंग, फाइनेंशियल प्लानिंग एंड प्रोजेक्ट प्लानिंग एंड क्राइसिस मैनेजमेंट प्लानिंग। तो इसमें से हम लोग इसके ऊपर हम लोग किस तरह से हैंड राइटिंग वीडियो एनिमेटेड वीडियोज बनाना है उसके लिए, चलिए दोस्तों हम लोग जाते हैं वीडियो स्क्रिप्ट ये जो वेबसाइट्स है या ये जो गूगल में आपको वीडियो स्क्रिप्ट ऐसे डालना पड़ेगा और जिस जगह पे जाने के बाद आपको इस तरह से पहली जो लिंक आती है उसको ओपन करना है। वो ओपन करने के बाद इस जगह पे जाके फ्री ट्रायल करना है। फ्री ट्रायल करने के बाद आपको क्या करना है कि सबसे पहले क्रिएट, इस जगह पे जाके आपको आपका नाम भरना पड़ेगा। जैसे कि मैं यहाँ डिटेल्स मेरी भरता हूँ और मेरा ईमेल आईडी दे देता हूँ और इसमें हम लोग पासवर्ड डालते हैं। इस जगह पे हमें पासवर्ड डालना पड़ेगा, आई एग्री टू, इस जगह पे एग्री सब करना पड़ेगा और क्रिएट योर फ्री अकाउंट। जैसे हम लोग ये कर देते हैं तो हमारे यहाँ हमारा अकाउंट हो जाता है, उसको सेव कर लेते हैं क्योंकि हमें आगे अगर यूज करना है तो उसकी मदद हो सकती है। उसके बाद हमें लॉगिन करना है और लॉगिन करने के बाद जैसे ही ये लॉगिन करना है, आप लोग जैसे ही लॉगिन करोगे तब एक्सेप्ट ऑल कुकीज को एक्सेप्ट ऑल करना है और वी आर सेंट वेरिफिकेशन ईमेल टू अमोल। जैसे आप हमारा जो ईमेल आईडी है उसके ऊपर उन्होंने ईमेल आईडी में भेजा है तो हम लोग उस ईमेल आईडी में जाते हैं। ईमेल आईडी पे वेरिफिकेशन आया होगा तो उसको देखते हैं कि वेरिफिकेशन कहीं आया है क्या। स्पार्क कॉल मैक, जैसे कंफर्मेशन सिग्नेचर आया है तो उस जगह पे जाके हमें कंफर्म करना है। जैसे हम लोग कंफर्म करते हैं तो हमारे सामने ईमेल वेरीफाइड आएगा, उसको लॉगिन करना है और फिर हमें क्या करना है कि लॉगिन करने के बाद हम लोग इंटर कर सकते हैं। तो इस जगह पे दो ऑप्शन दिखाई देते हैं, एक है वीडियो स्क्रिप्ट फॉर ब्राउजर, अगर आपको ब्राउजर के लिए करना है, और ये जगह पे वीडियो स्क्रिप्ट फॉर डेस्कटॉप, तो हमें डेस्कटॉप के ऊपर करना है तो हम लोग इसको डाउनलोड कर लेते हैं। जैसे आप लोग डाउनलोड करोगे तो आपके सामने इस जगह पे जाके डाउनलोड ऑप्शन हमें दिखाई देगा, जो कि वीडियो स्क्रिप्ट जो है वो ऑफलाइन मोड में हम लोग डेस्कटॉप पे उसका इस्तेमाल कर सकते हैं और क्लासिकल व्हाइट बोर्ड एनिमेशन बना सकते हैं। तो ये बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण और बहुत ही ज्यादा उपयोगी ऐसे रहने वाला सॉफ्टवेयर है। जैसे ये डाउनलोड हो जाता है उसको हमें क्या करना है, उसको हमें आमतौर पे जिस तरह से सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करते हैं वैसे ही हमें इंस्टॉल करना है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि हमारा जो सॉफ्टवेयर है वो ऑलमोस्ट डाउनलोड हो चुका है, हम इस जगह पे जाके उसको क्लिक करते हैं। जैसे हम लोग क्लिक करेंगे तो हमें इंस्टॉलेशन की प्रोसेस शुरू कर सकते हैं। जैसे नेक्स्ट, इस तरह से सॉफ्टवेयर अपलोड करने के बाद हमारे सामने इस प्रकार का एक इंटरफेस दिखाई देगा। उसमें टेम्पलेट्स है जिसमें आप लोगों को बहुत सारे अलग अलग टेम्पलेट्स मिलेंगे जिसका इस्तेमाल आप यूज कर सकते हैं। साथ ही साथ अलग अलग कैटेगरीज भी दे, कैटेगरी वाइज आप बहुत सारे टेम्पलेट्स को देख सकते हैं और उसका यूज इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, हमें अपने खुद का टेम्पलेट्स बनाना है या खुद का स्क्रिप्ट बनाना है तो हमें क्रिएट अ न्यू स्क्रिप्ट के ऊपर क्लिक करना पड़ेगा। जैसे ही आपके सामने क्रिएट अ न्यू स्क्रिप्ट आएगा तब वहाँ हमें प्रोजेक्ट का नेम देना, जैसे मैं प्लानिंग इस तरह से नाम दूंगा। उसके बाद तीन साइजेस में दिखाई देता है, ये साइज जो है यूट्यूब के लिए, इसलिए हम लोग इसका सिलेक्शन करते हैं और
क्रिएट प्रोजेक्ट बोलते हैं। जैसे हम लोग क्रिएट प्रोजेक्ट बोलते हैं, हमारे सामने इस प्रकार का एक व्हाइट बोर्ड हमारे सामने दिखाई देता है। तो सबसे पहले तो हमें क्या करना पड़ेगा कि व्हाइट बोर्ड होने के बाद हमें सबसे पहले हमारे हमारा जो टाइटल है वो हमें देना पड़ेगा। तो इस जगह पे जाना है, एड न्यू टेक्स्ट एक बटन आएगा, उसमें जाके आपको करना है। जैसे कि हमारा टाइटल है टाइप्स ऑफ गुड प्लानिंग, इस तरह से हमारा टाइटल है। इसको हम लोग कलर चेंज कर सकते हैं, जैसे कि इस जगह पे जाके आप लोगों को जो कलर चाहिए वो कलर आप में आप इसको यूज कर सकते हैं। जैसे हमने ये कलर चूज किया और फिर हमें सिलेक्ट करना है। जैसे हम लोग सिलेक्ट करेंगे इस जगह पे हमारा टाइप्स ऑफ गुड प्लानिंग, इसको हम लोग फॉन्ट बढ़ा सकते हैं, ड्रैग कर सकते हैं, ऐसे बहुत सारे चीजें हम लोग इस जगह पे कर सकते हैं। तो टाइप्स ऑफ गुड प्लानिंग ये हमारा हेडिंग हो गया। उसके बाद आपको इस चार एरो देते हैं जिसको लेकर आपको डायरेक्शन देना है। जैसे कि हम लोग एक के बाद एक इस तरह से डायरेक्शन देते हैं, तो इसके ऊपर हमें प्रेस करना है और प्रेस करने के बाद नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट स्लाइड में अगर आपको टाइप्स ऑफ प्लानिंग के कोई भी पार्ट होगा तो हमें क्या करना है कि हमें फिर चैट जीपीटी के ऊपर जाना है और पहला जो है स्ट्रेटेजिक प्लानिंग, ठीक है, तो उसको हमें क्या करना है, क्लिक कॉपी पे आना है, जैसे कि इस जगह पे आना है और फिर हमें टेक्स्ट में जाना है। टेक्स्ट में जाने के बाद फिर हमें वो पेस्ट करना है और पेस्ट करने के बाद हमें क्या करना है कि उसको अच्छे से फ्रेम में करना है। जैसे कि स्ट्रेटेजिक प्लानिंग जो है उसको हमें अलग कलर्स देना पड़ेगा और ये जो उसका इंफॉर्मेशन है उसको हम लोग ब्लैक कलर से भी कर सकते हैं। इस जगह पे बहुत सारे फॉन्ट्स है, आप उसमें से कोई भी एक फॉन्ट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, रेगुलर, लाइट, ब्लैक, बोल्ड, इस प्रकार से आपको फॉन्ट भी इस जगह से ऐड कर सकते हैं। आपको मैटर जो है वो कहाँ रखना है वो भी आपके सामने तीन प्रकार से दिखाई देते। इसको हम लोग सिलेक्ट करते हैं। सिलेक्ट करने के बाद हमारे सामने थोड़ा बहुत बड़ा साइज सिलेक्ट करने के कारण हो गया है, तो उसको हम लोग मिनिमाइज कर सकते हैं और इसको और ज़्यादा जो फिट हो जाए ऐसे हम लोग देख सकते हैं। उसके बाद हमें क्या करना है, स्ट्रैटेजिक प्लानिंग रिलेटेड हमें कुछ पिक्चर्स देने हैं, तो हम लोग देखेंगे कि पिक्चर्स हमें ऐड करने हैं। तो इस जगह पे जाके आपको इमेजेस में जाना है। इमेजेस में जाने के बाद आपको क्या करना है, ब्राउजर कैटेगरी, तो इसमें सर्च बटन पे जाना है और हमें इस जगह पे जाके गूगल से भी आप ले सकते हैं, जैसे स्ट्रैटेजिक जो है उसके ऊपर जाते हैं, फिर हमारे सामने बहुत सारे इमेजेस हमें दिखाई देंगे। उसमें से आप कोई भी एक इमेजेस जो है वो जो आपके रिलेवेंट है उसको हमें सिलेक्ट करना है। जैसे कि स्ट्रैटेजिक के बारे में ये इमेज बहुत अच्छी है, तो हम लोग इस इमेज का इस्तेमाल करते हैं, तो हम लोग इसको थोड़ा बिग साइज में करते हैं। इस पिक्चर को आपको कलर साइज में करना है तो आपको वो भी आप कलर साइज में अगर ऑप्शन आपको दिखाई देता है, जैसे कि ये फुल कलर है, आउटलाइन में, ग्रे स्केल में, शिल आउट, ऐसे अलग अलग इसमें है। एनिमेटेड के लिए जो टाइम है वो आप लोगों को कम करना है, जैसे कि जल्द से जल्द वो दिखाई दे जाए, क्योंकि हमारे पास इतना समय नहीं रहता है, तो हमें कम से कम समय में उसका समय कम करना है और फिर हमें ओके करना है। जैसे हम लोग ये ओके करने के बाद फिर हमें क्या करना है कि दूसरा जो है वो हम लोग जो कंटेंट लेने वाले सेकंड, जैसे कि ऑपरेशनल प्लानिंग, तो उसको हम लोग कॉपी करते हैं। फिर हमें यहाँ जाके टेक्स्ट में जाना है और टेक्स्ट में जाने के बाद उसे पेस्ट करना है। पेस्ट करने के बाद ये जो इंफॉर्मेशन है उसे थोड़ा गैप रखना है, फिर इसका फिर कलर बदलना है। अगर आपको ये लगता है ये कलर रखना चाहिए तो इसको कलर रख सकते हैं और फिर हमें ऐड करना है। जैसे हम लोग ऐड बोलेंगे तो हमारे सामने जो इंफॉर्मेशन है वो परफेक्ट इस जगह पे आके दिखाई देंगी। फिर उसको हमें क्या करना है, उसके बाद हमें नेक्स्ट जो भी पिक्चर्स है उसको हमें और ज़्यादा ऐड करना है। जैसे कि इस जगह पे जाके हम लोग अगर सर्च करते हैं, सर्च करने के बाद अगर हमें गूगल से लेना है तो सर्च एट गूगल करना है। सर्च एट गूगल करने के बाद ऑपरेशनल प्लानिंग ऐसे सर्च करना है। ऑपरेशनल प्लानिंग सर्च करने के बाद अगर आपके साथ आपको लगता है कि हमें ये इसमें से ये जो पिक्चर है वो हमें लेना है, तो
तो हमें उसको सेव इमेज एज करना है। सेव इमेज एज करने के बाद हमें क्या करना है, डाउनलोड में रखना है। तो हम लोग डाउनलोड में रख सकते सबसे इम्पोर्टेंट क्या है कि ये पीडीएफ इमेजेस में होना चाहिए, इसलिए हमें पूरा ओपन करना है और सेव इमेज एज इस तरह से हम लोग इमेज में कन्वर्ट करके डेस्कटॉप के ऊपर रख सकते हैं। तो इस तरह से उसके बाद हमें फिर एक बार आना है गूगल में सर्च, अगर आपको करना है तो कर सकते हैं। और इमेजेस इस जगह पे जाके आप इंपोर्ट कर सकते हैं फॉर्म माय कंप्यूटर और कंप्यूटर से। अगर आप डेस्कटॉप पे जाएंगे तो डेस्कटॉप पे जो डाउनलोड किया है वो आपको दिखाई देंगे, लेकिन हालांकि हमने इमेजेस फॉर्मेट में नहीं किया है, इसलिए हम लोग यही जो दिया है उसको हम लोग लेते हैं उस पिक्चर्स को। या आप वहाँ के जो पिक्चर्स अगर आप करेंगे तो और ज़्यादा बेहतरीन रहेगा। इसको हम लोग सिलेक्ट करते हैं जो कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी का एक फॉर एग्जांपल के तौर पर हम लोग ले रहे हैं। तो इस तरह से हमारे सामने हमने जो टेक्स्ट फॉर्मेट को हम लोगों ने एनिमेशन मोड में किया है। उसके बाद हमें क्या करना है कि हमें अलग अलग जैसे हैंड जो हमने प्रेजेंटेशन किया वो कौन सा हैंड में चाहिए, अगर आपको लगता है कि आपने जो चूज़ किया है वो हैंड आपको नहीं चाहिए तो ये चाहिए, तो आप लोग इसका सिलेक्शन कर सकते हैं। उसके बाद अगर आपको वॉइस ओवर करना है इस थीम में तो आप अपने रिकॉर्डेड वॉइस को आप उसमें रिकॉर्ड करके आप जो जो टाइप्स ऑफ गुड प्लानिंग या टाइप्स ऑफ गुड प्लानिंग में फिर स्ट्रेटेजिक प्लानिंग वगैरह इस तरह से आप अलग अलग वॉइस को अपने अलग अलग साइज में रख सकते हैं। जैसे कि टाइप्स ऑफ गुड प्लानिंग, देर आर थ्री टाइप्स ऑफ गुड प्लानिंग, स्ट्रेटेजिक प्लानिंग, ऑपरेशनल प्लानिंग। सो दीज टाइप्स ऑफ स्ट्रेटेजिक प्लानिंग इज इस तरह से आप करके आप ओके करके फिर वो जो ऑडियो है वो प्रोसेसिंग होने के बाद आप अपने स्लाइड को जोड़ सकते हैं और इस तरह से आप जोड़ सकते हैं। अगर आपको बैकग्राउंड म्यूजिक लगाना है तो बैकग्राउंड म्यूजिक भी आप कोई भी एक सिलेक्ट करके उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि ये बैकग्राउंड म्यूजिक बैकग्राउंड को आ रहा है। तो और आपको सबसे इम्पोर्टेंट ये बात ध्यान में रखनी कि जिसको ज़्यादा जैसे टाइम दिया है तो टाइम आपको कम करना है, जिसको लेकर क्या है कि कम से कम समय में वो चीज़ें हो जाए और वो प्रेजेंटेशन दो या तीन ज़्यादा चार मिनट्स का बने। तो इस तरह से ये बात ध्यान में रखनी है आपको। और फिर जाके ये प्रेजेंटेशन होने के बाद आपको क्या करना है, इस जगह पे जाके प्ले फ्रॉम करंट एलिमेंट्स या प्ले फ्रॉम स्टार्ट इस जगह पे क्लिक करना है। तो आप देख सकते हो कि हमने जो बनाया है उसको इस तरह से हम लोग अपने हैंड राइटिंग एनिमेशन को वीडियो में कन्वर्ट कर सकते हैं। आशा करता हूँ कि आप सबको ये जो मैंने बनाया है वो समझ में आएगा। उसके बाद आपको इम्पोर्टेंट क्या करना है, सेव इस बटन पे ऊपर क्लिक करना है। अगर आपको आपको सिलेक्ट फाइल लोकेशंस में अगर आपने डेस्कटॉप रखा और डेस्कटॉप में आपने सेव करके रखा तो आप इस जो भी हमने बनाया है उसको सेव कर सकते हैं। और उसके बाद सेव होने के बाद आप उसका इस्तेमाल कभी भी कर सकते हैं।